दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका ई वी ज्ञानी बाबा में। और कई सारे साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट होता है ओला S1 X+। तो आज इसी पे हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने ओला स्कूटर को ऑन करना है। तो देखिए हम ऑन करते हैं, पावर बटन प्रेस करेंगे, पासकोड मांग रहा है, पासकोड डाल देंगे। देखिए ये ऑन हो चुका है और ये अभी पार्क्ड मोड में है। अपने को इसको अनलॉक ही करना है, पार्क्ड मोड में ही रखना है, नॉर्मल या ड्राइव मोड में नहीं करना है। और इसकी आगे की प्रोसेस के लिए हम ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम ओला इलेक्ट्रिक की ऐप में आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बने रहिए। आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके मोबाइल का डेटा ऑन करना है और दूसरा इसमें ब्लूटूथ ऑन करना है। ये दोनों ऑन करने के बाद आपको ओला इलेक्ट्रिक की ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन होने के बाद ये लॉगिन का जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी मोबाइल से आपने बुक किया है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट, फिर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो डालना है। जैसे ये ओटीपी आ गया है 5646, ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। अब ये देखिए आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो वो सारी परमिशंस अपने को दे देनी है एप्लीकेशन को। अब इसमें देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लूटूथ नॉट पेयर्ड, तो इस पे अपने को कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें आ रहा है देखो ऊपर, अनलॉक ओला स्कूटर टू पेयर विथ योर फोन, अनलॉक ओला स्कूटर विथ योर पासकोड टू मेक इट डिस्कवरेबल, यस आई हैव अनलॉक्ड माई स्कूटर, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए अलाउ लोकेशन एक्सेस आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। ये ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन की सेटिंग पे आ चुका है। अब इसमें जो सेकंड नंबर है परमिशंस का, उस पे क्लिक करेंगे और परमिशंस में लोकेशन, लोकेशन में अलाउ ऑल द टाइम पे क्लिक कर देंगे और बाकी परमिशन भी दे देंगे इसको। जैसे कॉल लॉक की आ गई, अलाउ कैमरा की दे देंगे, कॉन्टैक्ट्स की दे देंगे, फाइल्स एंड मीडिया, माइक्रोफोन की दे देंगे, फ़ोन की भी दे देंगे। ये सारी परमिशंस हम दे चुके हैं। अब बैक करते हैं इसको। अब ये दोबारा से पूछ रहा है कि आपने अनलॉक कर दिया है क्या ओला स्कूटर को, तो हम अगर ओला स्कूटर लॉक हो चुका है तो उसको दोबारा से अनलॉक कर देंगे और अनलॉक करने के बाद यस आई हैव अनलॉक्ड माई स्कूटर पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू। अब देखिए सर्च कर रहा है, आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आएगा तो उस पे पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नोटिफिकेशन आया उस पे अलो करना है और पेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, फिर से पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये एक कोड शो हो रहा है वो, उस पे पेयर पे क्लिक करेंगे। यही सेम कोड अपने ओला की स्क्रीन पे शो होगा। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आ चुके हैं, सेम कोड शो हो रहा है। अब अपने को यहाँ ओके बटन पे क्लिक करना है, तो ये ओके बटन हमने प्रेस कर दिया है।
और ये देखिए पेयर सक्सेस का अपने ये मैसेज आ चुका है, पेयर सक्सेस हो चुका है। और ये हमारी इससे हमारा स्कूटर कनेक्ट हो चुका है मोबाइल से। आपको वापस लेके चलते हैं एप्लीकेशन में। ये देखिए इस स्कूटर पेयर सक्सेसफुल का मैसेज इसमें भी आया है। और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है स्कूटर, इससे लॉक अनलॉक हो जाएगा। ये अभी ये देखिए लॉक होल्ड हो चुका है, ये देखिए लॉक्ड एंड सेफ। और दोबारा जैसे ही क्लिक करेंगे अनलॉक्ड हो जाएगा, ये देखिए अनलॉक्ड हो चुका है, अनलॉक्ड एंड रेडी। मोबाइल से पेयरिंग के टाइम आपको दो चीज़ें जो ध्यान रखने वाली है, एक तो इसका सार एप्लीकेशन में जाके सभी परमिशंस को अलो कर दें, दूसरा ये कि ये पार्क्ड मोड में होना चाहिए, रन मोड में नहीं होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई इश्यू आता है, कनेक्ट नहीं हो रहा है बाई चांस, तो आप रिवर्स और पावर बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके इसको रिबूट कर लें तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।